दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जिन और एक इमाम साहब के बीच में मस्जिद में कुछ ऐसा हो गया जिसे जानकर आप हैरान होते हुए सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है जिसे सुनने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, और साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि जिन्नात कैसे नमाज अदा करते हैं। क्या जिन्नात भी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आग से पैदा फरमाया है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, एक मस्जिद के इमाम साहब जो कि एक शरीफ इंसान थे, वो अपने गांव से दूर एक मस्जिद में इमामत किया करते थे और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे, जिन्हें उस वक्त की हुकूमत की तरफ से उस मस्जिद में बतौर इमाम तैनात किया गया था। इनका गांव दूर था, इसीलिए ये इमाम साहब मस्जिद के पास मौजूद सरकारी घर में रहते थे, जबकि उनके बीवी बच्चे गांव में ही अपने घर पर रहते थे। इमाम साहब इंतहाई आला किरदार के मालिक थे। तमाम लोग ये तमन्ना करते कि इमाम साहब उन लोगों के साथ नमाज अदा करे। दोस्तों, एक बार इमाम साहब अपने बीवी बच्चों से मिलने अपने गांव गए। गांव वालों ने कहा कि रमज़ान का महीना करीब है, आप इस बार रमज़ान अपने गांव में ही गुजारे और गांव की मस्जिद में नमाज तरावी और दूसरी नमाज पढ़ाए। पहले तो इमाम साहब मना करते रहे, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर इमाम साहब मान गए कि ठीक है, मैं रमज़ान में वापस आ जाऊँगा। इसके बाद वो अपने घर वालों से मिलकर अपने काम पर वापस आ गए। 2 महीने का वक्त गुजरा तो रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला था। इमाम साहब ने वहाँ के लोगों को बताया कि इस बार वो रमज़ान अब अपने गांव में ही गुजारेंगे। उसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत एक दूसरे शख्स के हवाले कर दी और अपना सफ़र शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, इमाम साहब का गांव कई मील के फासले पर था और ये फासला वो अपने साइकिल के ज़रिए तय किया करते थे। उनकी ये सवारी जल्दी या देर अपनी मंजिल पर पहुंचा देती थी। इस बार भी इमाम साहब ने अपनी साइकिल पकड़ी और अपने गांव की तरफ चल दिए। इमाम साहब जंगल के रास्ते जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सके। जंगल को पार करते हुए इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और इस पहाड़ी सिलसिले के उस पार इमाम साहब का गाँव आबाद था। इमाम साहब जब पथरीले रास्ते पर पहुंचे तो रात ढलने लगी और सूरज पहाड़ों की ओट में हो गया, जिसकी वजह से इमाम साहब को दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पहाड़ी इलाके में किसी अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने के बराबर था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इमाम साहब भी थक चुके थे। उन्होंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया और इसके लिए वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, जहाँ से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जिसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा कि क्यों ना मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा की जाए और रात भी यही गुजार लूँगा। ये सोचकर इमाम साहब जल्दी जल्दी इस मस्जिद में पहुँच गए और क्या देखते हैं कि मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई नमाजी है। जिस रास्ते से होकर इमाम साहब मस्जिद में पहुँचे थे, वो रास्ता भी वीरान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान ना था। ये सूरत हाल इमाम साहब के लिए इंतहाई अनोखी थी, क्योंकि वो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे वो नमाजियों से भरी होती थी, और आज वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कशमकश में मुब्तला थे। दोस्तों, इसी कशमकश में इमाम साहब ने वजू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। अभी इनकी पहली रकात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया कि मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर, इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे ही सलाम फेरा तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। मस्जिद में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये देखकर इमाम साहब काफ़ी हैरान हुए कि चंद लम्हे पहले तो मस्जिद में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक पूरी मस्जिद नमाजियों से कैसे भर गई। नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की खूब तारीफ की, और इसमें से एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगे, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमजानुल मुबारक के महीने में इसी मस्जिद में कयाम करें
तो हम सब आपके साथ नमाज़े तरावीह अदा करेंगे। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, क्योंकि इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है। अगर आप ये फ़र्ज़ अदा करें तो रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह की ये मस्जिद आबाद रहेगी। ये सुनकर इमाम साहब इनकार ना कर सके और अल्लाह की एक और मस्जिद को आबाद करने की नीयत से उन्होंने तमाम नमाजियों से कहा कि वह पूरा रमज़ान इनके साथ ही गुजारेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक रमज़ान से 25 रमज़ान तक इमाम साहब इसी मस्जिद में इमामत करते रहे और नमाजी, सहरी और इफ्तारी का बेहतरीन सामान इमाम साहब के खिदमत में पेश करते रहे। और इमाम साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सहरी को रोज़ा रखते और मगरिब में नमाजियों के हुजूम में इफ्तार करते। इमाम साहब ने यह महसूस किया कि जैसे ही ये नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पूरी मस्जिद गुलाब के इत्र की खुशबू से महक उठती है। 25वें रोज़े को एक दिन इमाम साहब मस्जिद के किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले तो इत्तेफाकन उनकी मुलाकात अपने ही गांव में रहने वाले एक शख्स से हो गई जो इन्हें अच्छी तरह से पहचानता और जानता था। इमाम साहब को देखते ही वो शख्स कहने लगा, इमाम साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो वादे के मुताबिक मौजूदा रमज़ान अपने गाँव में ही गुजारना था, मगर आप नहीं आए, पूरा गाँव आपका मुंतज़िर है। ये सुनकर मौलाना साहब ने सारा वाकिया बयान कर दिया, जिसे सुनते ही वो शख्स खौफज़दा हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो शख्स कुछ देर के लिए हैरान हो गया और कहने लगा, हजरत आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं वो तो जिन्नात की मस्जिद है, हो ना हो आपके पीछे इस मस्जिद में नमाज अदा करने वाले इंसान नहीं जिन्नात है। ये सुनकर इमाम साहब भी खौफज़दा हो गए, क्योंकि उन्होंने भी कई मामलात पूरे रमज़ान में महसूस किए थे और उन्हें भी अब यकीन हो चुका था कि वो जिस मस्जिद में तकरीबन एक महीने से नमाज पढ़ा रहे हैं वो इंसानों की मस्जिद नहीं बल्कि जिन्नातों की इबादत गाह है, और नमाजी भी कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। वो शख्स कहने लगा, इन्होंने आपको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, तो आप अपने वादे के मुताबिक अपनी तरावी मुकम्मल करें और ध्यान रखें कि ये जिन्नात जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। खैर, उसके बाद इमाम साहब खौफ और हैरानी की मिली जुली कैफियत के साथ वापस उसी मस्जिद में आए और 27 रमज़ान तक कुरान पाक पूरा किया और फिर जिन्नातों से इजाज़त लिए बगैर अपने गांव अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर इनकी बीवी ने बताया कि एक मेहमान बेशुमार तोहफे लेकर सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है। जब मौलाना साहब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब, हम खुद आपको आपके घर पर छोड़ने वाले थे, मगर आपको हकीकत का इल्म हो गया था, आप सच जान चुके थे कि हम इंसान नहीं बल्कि मुसलमान जिन्नात है। हम सब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और हम सब ने आपको तोहफे और मिठाइयाँ भेजी है, जिसे आप कबूल करें आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और अगर आप मुनासिब समझे तो अगले रमज़ान भी आप हमारी मस्जिद में तरावी पढ़ाने आए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इमाम साहब जब तक जिंदा रहे वो पहाड़ी के उसी मस्जिद में रमज़ान गुजारते रहे जिसे जिन्नात की मस्जिद कहा जाता है, जहां इंसानों के बजाय मुसलमान जिन इबादत करते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने करीबी लोगों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।